हैं। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री निवास पहुंचे मंत्री रविंद्र चौबे। बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे हैं आपको रायपुर से। बता दें एक बार फिर, मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं मंत्री रविंद्र चौबे। सीएम भूपेश बघेल से मंत्री चौबे ने मुलाकात, उनकी जो है वो जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। और बता दें कि मंत्री रविंद्र चौबे जो है वो मुख्यमंत्री निवास सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात जो है वो जारी है। कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि उनकी मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी और कई अहम प्रस्ताव भी जो है वो पारित हो सकते हैं। एक बड़ी मुलाकात इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कई सारे मुद्दे जो है वो प्रदेश में गरमाए हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मंत्री चौबे ने मुलाकात जो है वो की और उनकी मुलाकात अभी भी जारी है। तो कई प्रकार के कयास जो है पहले लगाए जा रहे थे कि कई अहम मुद्दों पर उनकी मुलाकात में चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मंत्री चौबे की मुलाकात जो है वो जारी है। कई अहम विषयों और कई अहम मुद्दों को लेकर के जो है मंत्री चौबे की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि इन मुख्य विषयों को लेकर के जो है इनके बीच चर्चा जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे थे, एक बार फिर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास जो है पहुंचे हैं और उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवास जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल एक खबर सामने आ रही है कि मंत्री रविंद्र चौबे मुख्यमंत्री निवास जो है पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जारी है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घटना की जानकारी इस तरह से साझा में बेमेतरा के बीरनपुर में हुई है, उसकी जानकारी देने के लिए पहुंचे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात चल रही है। और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वो इस संबंध में तमाम जो जानकारियां हैं वो देंगे, साथ ही साथ किस तरह के कदम वहां पर उठाए गए उसकी जानकारी देंगे और किस तरह से हालात को नियंत्रित किया गया है या आगे किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं इसके संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी चर्चा हो रही। क्योंकि एक तरह से प्रशासनिक स्थिति तो बनी हुई है, शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बनी हुई है, साथ ही साथ इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो यहाँ पर आज पहुंचेगी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में। ऐसे में सबकी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साझा करेंगे, इसी वजह से सीएम हाउस पहुंचे हुए रविंद्र चौबे जी। गौरव, बेबेतरा की जो घटना है वो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक बड़ी दुर्घटना जो है वो सामने आई है, जिस पर मुलाकात करने के लिए जैसे कि आपने बताया कि मंत्री रविंद्र चौबे जो है सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ निर्णय अब तक इस पर लिए गए, कोई खबर सामने आई है इसे लेकर? देखिए, शासन प्रशासन की ओर से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं हालात को नियंत्रित करने के लिए, पूरी प्रयास जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन अभी तक ये स्थिति देखने मिली कि जो स्थिति है वो सामान्य हो नहीं पाई थी। अभी भी गांव में तनाव चल रहा था, तो कैसे आने वाले समय में इसे नियंत्रित किया जाए, कैसे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो, इन तमाम बातों पर जो चर्चा है वो की जा रही है। और शासन प्रशासन की ओर से अब तक के कौन कौन से कदम उठाए गए हैं या आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाए जाने, इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत जो है वो की जा रही है जी। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।